जैसा कि हम लोग अभी जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे हम बहुत सारा चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है और कौन कौन से कौशल सिखाए जाते हैं। हमारे साथ में सभी टीम बाल का है। मेल स्टूडेंट सभी ऊपर रहते हैं, ये डोरमेट्री का सिस्टम है। वहाँ पर मेल का रहता है, उधर नीचे फीमेल का रहता है। फीमेल स्टूडेंट का वो उधर बाथरूम वगैरह अटैच है, वहाँ पे एक फीमेल स्टूडेंट मतलब ट्रेनर और स्टूडेंट साथ में रहते हैं। इसके अलावा फीमेल की सुरक्षा के लिए हमारे इधर एक ICC कमेटी बनी हुई है, जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट की कोई भी इस तरीके से हरकतें हों पॉस्ट को लेकर, तो वो उन पर कंप्लेन कर सकते हैं। ये है कुछ ये जो दीवार है ये आपकी 1 से 1.5 घंटे तक आग अंदर नहीं आने देती। इसके अंदर एक फॉर्म का वो फिलिंग किया गया है उसके वजह से, और ये जो सीट जैसे उन्होंने बताई अलग अलग, तो ये काफ़ी देर तक आपको अंदर नहीं आने देती। ये जैसे जो बॉस की कमेटी है, ये स्टेट लेवल की कमेटी है, ये नेशनल की, ये जब भी एडमिशन होता है तो शुरुआत के 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या अगर आपके साथ यहाँ सेंटर पर कोई भी कुछ इस तरीके की हरकत होती है तो आप फीमेल जो आपके डोरमेट्री सुपरवाइज़र होता है स्टाफ है उसको बताएंगे, वहाँ से सेंटर है, अगर वो सॉल्व नहीं होती विद इन 24 आवर्स आप डायरेक्ट UP की जो IC मेम्बर हैं उनको बताएंगे, वहाँ से भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आप नंबर आपको सेव करने के लिए हमारी तरफ से वो बताया जाता है। अब इसके बाद जैसे उन्होंने प्लेसमेंट को लेके बताया था कि प्लेसमेंट है क्या, प्लेसमेंट हमारे सभी का कॉमन है, तो प्लेसमेंट में हम पहल करके बनाए हैं, जो एलुमनाई नेटवर्क हमने देखा होगा ये बनता है, तो ये प्रथम एलुमनाई नेटवर्क है। क्योंकि अब जैसे हुआ कि मैं यहाँ पे सेक्टर देख रहा हूँ, सेक्टर मैं अभी तो 8 साल से कर रहा हूँ, आने वाले समय में प्रथम से नहीं जुड़ा हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ या यहाँ के सभी स्टाफ जुड़े, लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनको ज़रूरत है। हाँ, 1 साल तक तो हमारी ट्रैकिंग है, उसके अलावा भी हमें उनसे जुड़ना है या वो हमसे जुड़ के रहना चाहते हैं, तो ये टोल फ्री नंबर बनाए गए, इसके लिए वो डायरेक्ट हमारे मुंबई मेट्रो से जो नया कोर्स करना है या प्रमोशन नहीं हो रहा है उनको अपग्रेड होना है या कोई बिजनेस में सपोर्ट, मतलब ये सारी चीज़ों को लेकर वो डायरेक्ट यहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हैं। कोविड को लेके यहाँ पे हमारे पास 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, कोविड के बाद से चीज़ें रखी गई हैं, कभी भी अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो ऑक्सीजन को लेके, कोविड के डेली हमारे यहाँ ऑक्सीमीटर से स्टूडेंट और स्टाफ PPE ऑक्सीमीटर टेम्परेचर ये सारी चीज़ें नाप के उसका नोट डाउन किया जाता है। आइसोलेशन रूम भी है कि अगर किसी को बुखार है तो दूर नहीं हो, तो ये सारी टेक केयर के लिए रखी जाती है। ये जो हॉस्पिटैलिटी का है इसमें कुछ स्टूडेंट हैं, अब जैसे आपको फॉरेन का बताया तो वो एक अमित करके लड़का है जो पिछले साल दिया था, बरेली का है, वो लमसम अभी 37,000 रुपये कर रहा है। और रीना ये शायद सरासन की है, अम्बेडकर नगर की, ये लड़की अभी साउथ अफ्रीका में 1,30,000 रुपये अभी सैलरी पा रही है। ये पहले राजस्थान में बिल्कुल में काम करती है, एग्जाम्पल थ्रू है क्या आप इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं, इतने दूर गए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए, हो सकता है सब नहीं जानते थोड़ा अंदर जाने से, लेकिन आज हो सकता है कई लोग अलग अलग जगह से मिले हुए दूसरे की, भाई हम ही नहीं खाली टीम बालिका के साथ काम कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग और भी देश में या अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। तो यही होता है कि हमारे यहाँ से हम हर साल 25-30 हज़ार लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, पर होता क्या है कि वो सोचते हैं कि हमारे सेंटर में या जो हमारे साथ पोस्ट में यही लोग खाली किए हैं, बाकी लोगों से नहीं मिल पाते, जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, लखनऊ में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो हमारे हज़ारों की संख्या में काम कर रहे हैं, तो उनको सालीना एक बार मिलवाना जिससे उनका खुद का एक नेटवर्क बने। कि अगर आप दो लोग हैं कैसे, हम अगर कोई ज़िले में जाते हैं तो सबसे पहले अपने ब्लॉक के लोग मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी। हाँ, राज कोई लखनऊ आए, लखनऊ से पता चला अरे हमारे जिले के, भले हम नहीं जानते, अरे चलो अपने इधर का आदमी है, ऐसे दूसरे राज्य में या दूसरे देश में, तो वैसे ही उनको भी अपनापन लगता है कि अरे नहीं हम अकेले नहीं यहाँ से कोर्स किए, हमारे साथ और भी लोग हैं जो इस संस्था से, तो वो एक दूसरे की मदद के लिए रेडी रहते हैं।